जिस समय इंद्र ने बरसात करी थी ना, ब्रजवासियों ने केवल भगवान श्री कृष्ण की ही प्रार्थना की थी कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिता भक्त वत्सलः। अपने रक्षक के रूप में हम केवल भगवान को ही माने, मेरा रक्षक तो मेरे प्रभु हैं। अपने रक्षक के रूप में भगवान को ही चौथी बात है कि हमको अपनाना है, वो मेरे रक्षक है। और पांचवा, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना, पूर्ण सरेंडर भगवान के लिए। और छठा कहा जा रहा है कि अपने अंदर भक्त को जो शरणागत भाव है वो ये है कि दीनता अपने अंदर रखना चाहिए, दैन्य भाव। ऐसा शरणागत भक्त यदि भगवान के चरण कमल में बैठ करके भगवान का जब भजन करता है तो निश्चित उस भक्त पर प्रभु की कृपा होती है। आज भक्ति महारानी ये पवित्र कीर्तन गाती ही आ रही थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भक्ति महारानी जब उस आनंद तट पर आकर के खड़ी हुई है और भक्ति ने ये पूछा सनत कुमारों से कि आप मुझे बैठने का स्थान प्रदान करें, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए श्रोता बैठे हैं, भक्ति महारानी उनके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। तो भक्ति प्रत्येक श्रोता के हृदय में आनंद तट पर विराजमान हो गई। जब भक्ति सभी श्रोताओं के हृदय में बैठी ना, तो एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि जितने भी भागवत सुनने के लिए हरिद्वार में आनंद तट पर श्रोता बैठे थे ना, प्रत्येक श्रोता के हृदय में, भागवत जी में लिखा है, एक दो के नहीं, प्रत्येक श्रोता के हृदय में अनंत अनंत रूप से श्री बांकी बिहारी श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। सबके हृदय में प्रभु बैठे। क्योंकि कथा में भजन में यदि आपका मन लगने लग जाए, आपको कथा में रस आने लग जाए, कथा में आप जब भजन गाएं कोई और आपको भजन में बड़ा रस आने लग जाए, तो भजन किसको कहते हैं? किम नाम भजनम, प्रेम से कहो श्री राधे, किम नाम भजनम, बोले भजनम नाम रसनम। जैसे आपने देखा गौ माता को बैठकर के पहले गौ आप देखते ना चारा खाती है, और खाने के बाद बैठकर के फिर क्या करती है, जुगाली करती है, धीरे धीरे मुंह चलाती है, रस लेती है उसका। बस किम भजनम, भजनम नाम रसनम, आपको यदि कथा में प्रभु के नाम में यदि रस आ रहा है तो आपकी कथा भी सार्थक और आपका भजन भी सार्थक है।